जालियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे होने से पहले ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। 100 सालों में काफी कुछ बदल गया, लेकिन इस क्रूर घटना के इतने समय बीत जाने के बाद भी उन बेकसूरों को इंसाफ नहीं मिल पाया। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार को शोक प्रकट करने का वक्त तक नहीं मिला, लेकिन अब जाकर ब्रिटेन की वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने खेद जताया है। लेकिन इस खेद से उस क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि अंग्रेजों ने अपनी भूल को कबूल तो किया। बता दें, भारत काफी लंबे समय से मांग कर रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश हुक्मरान इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। आखिरकार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा, यह बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की घटना ब्रिटेन और भारत के इतिहास में हुई। हमें इस घटना से काफी दुख है और इस बात का एहसास है कि कई लोगों को इससे काफी तकलीफ हुई है। बता दें, थेरेसा मे द्वारा खेद जताना लेबर पार्टी के दबाव बनाने के बाद हुआ है। दरअसल लेबर पार्टी ने बुधवार को ब्रिटेन सरकार से एक स्पष्ट माफी की मांग की थी। कुल 80 सांसदों ने विदेश सचिव जर्मी हंट को इसके लिए लिखा था। उनके अनुसार जलियांवाला बाग कांड के चलते भारतीय लोगों को जो दर्द पहुंचा है वो बहुत ज्यादा है। यही नहीं, भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने तो यहां तक कह दिया था कि ब्रिटेन सरकार से एक औपचारिक माफी चाहिए। अब थेरेसा मे ने औपचारिक माफी तो नहीं मांगी, बस अपना शोक प्रकट किया। वैसे बता दें, ब्रिटेन के कई सांसदों ने जलियांवाला बाग कांड को लेकर ये भी तर्क दिया कि अगर ब्रिटेन भारत से घटना के लिए माफी मांग लेगा तो इससे दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे और प्रगाढ़ हो जाएंगे। याद दिलाने वो काला दिन जब पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर में एक दिन पहले ही ब्रिटिश हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने ऐलान कर दिया कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। फिर आई बैसाखी की सुबह। गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इस घटना के खलनायक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम था कि जलियांवाला बाग में कोई मीटिंग होने वाली है। जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ बढ़ चला। जलियांवाला बाग के गेट का वो सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सिर्फ एक शब्द फायर कहा। इसके बाद बाग में मौजूद लोगों पर गोलियों की बौछार होने लगी। उस घटना में 1000 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज भी घटना स्थल पर गोलियों के निशान उस अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को बयां करते हैं। आज भी गूंजती हैं उन निहत्ते मासूमों की चीखें जिनको 100 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।